अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्ज़ाम कोचिंग चैनल। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से टीचर्स के डिपार्टमेंट में शानदार वैकेंसीज अनाउंस कर दी गई है। ठीक है, इन वैकेंसीज़ पर अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, कितनी उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं और इन वैकेंसीज़ के लिए कितनी तालीम रिक्वायर है, इन वैकेंसीज़ पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी डिटेल आपको वीडियो में बताई जाएगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो पाकिस्तान की आल गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट के लिए चैनल को ऐसे करके सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद ये जो इसके साथ घंटी का बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आल के बटन को क्लिक कर लें। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही कोई गवर्नमेंट नौकरी आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ये आप चैनल पर आते हैं तो यहाँ प्लेलिस्ट में अगर आप देखते हैं तो दो तीन प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने इस्लामाबाद पुलिस में अप्लाई किया हुआ है तो इस प्लेलिस्ट को देख लें, इंशाल्लाह इसमें कमिंग डेज़ में 5 ईयर पास्ट पेपर को अपलोड किया जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप मोटरवे पुलिस प्रिपरेशन टेस्ट देना चाहते हैं तो यहाँ 5 साल का पास पेपर अपलोड है, इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि जॉब 2024 की प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो इसमें बड़े बड़े महकमों में नौकरियाँ आई हुई हैं, तो आप लोगों ने जिन महकमों में अभी तक अप्लाई नहीं किया तो उनमें आप इनमें से देख कर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपके साथ एडवर्टाइजमेंट को बाकायदा शेयर करती हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पहली वैकेंसी है वो है सेकेंडरी स्कूल टीचर फीमेल के लिए। ठीक है, अभी मेल की भी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये फीमेल की है जिसका बेस स्केल जो है वो 17 है। ये परमानेंट सीट है स्कूल की फेडरल गवर्नमेंट की एजुकेशनल लेवल पर। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सीट्स हैं। मिनिमम इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है वो है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद BEd। ठीक है, आपके पास BEd की डिग्री भी होनी चाहिए। इसके लिए आपके पास MA की एजुकेशन हो, MA एजुकेशन में होना चाहिए या MA जो है EPM में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी एज लिमिट जो है वो 22 साल से 35 साल के इन बिटवीन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 102 इसकी वैकेंसी हैं। ठीक है, अगर आप जो है वो मेरिट पर अप्लाई करते हैं तो मेरिट पर इसकी 8 वैकेंसियां हैं। 8 वैकेंसी का मतलब ये है कि अगर आपका मेरिट पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर होंगे पूरे पाकिस्तान में तो वो आपको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि पंजाब वालों के लिए 51 वैकेंसी है जिसमें से ओपन मेरिट पर जो है वो 40 वैकेंसी है। 9 जो वैकेंसी हैं वो हैं माइनॉरिटी के लिए और नॉन माइनॉरिटी के लिए 2 वैकेंसीज है। सिंध रूरल वालों के लिए ओपन मेरिट पर 11 वैकेंसी है। सिंध अर्बन वालों के लिए 8 वैकेंसी है। ठीक है, और हैबर पख्तून हवा वालों के लिए 11 वैकेंसी है। बलूचिस्तान वालों के लिए 6 और एक्स फाटा वालों के लिए 3 और AJK आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए 3 वैकेंसीज है। गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए 1 वैकेंसी है। ठीक है, आपका ताल्लुक पूरे पाकिस्तान से कहीं भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 22 जुलाई 2024 है। नेक्स्ट जो है वो मेल टीचर्स की, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जो मेल टीचर हैं उसमें ये है कि आपका जो बेस स्केल है वो 17 है, परमानेंट सीट है ये। ठीक है, एजुकेशनल लेवल की है। इसके लिए अगर आपके पास मास्टर डिग्री विद BEd है, MA एजुकेशन में है या MA EPM में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 22 से लेके 35 साल के इन बिटवीन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो इसकी पोस्ट है वो है, नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ 1 है। ठीक है, और वो अप्लाई कौन कर सकते हैं, जिनके पास डोमिसाइल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके भी अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 जुलाई 2024 है। ठीक है, और ये वैकेंसीज जो हैं वो FPSC के थ्रू अनाउंस की गई हैं। इस वजह से इसके लिए जो एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी वो www.fpsc.gov.pk पे सबमिट की जाएगी। अगर आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट ना करवाना आता हो तो ये स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।